नमस्कार रवि जी, मैं लोकमत न्यूज से प्रतीक्षा कुकरेती बोल रही हूँ। सर, बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी का दिल के दौरा पड़ने से उनकी डेथ हो गई है, इस पे आप क्या रिएक्शन है सर इस पे आपका? कोई शॉकिंग नहीं, मैं उनका धरती पे सबसे बड़ा फैन आई थिंक सो। वो बीच 16 साल तमिल फिल्म या तेलुगु फिल्म, और खुद उनके साथ काम करने का मौका आर्मी फिल्म में, 50-60 फिल्म के साथ बिताने का मौका उर्दू में, बिल्कुल। और वेरी क्लोज टू अवर फैमिली, बोनी जी के मैं बहुत करीब था। परसों रात को श्री जी की बातें करीबन हम लोगों ने 2-3 घंटे के साथ यूपी समिट में, और बता रहे थे कि कितना सुंदर और इंटीरियर डेकोरेटर, उनका टेस्ट इतना अच्छा घर का, चेन्नई के घर का, उनकी लाइफ का, उनके कॉस्ट्यूम क्लोथिंग का, और पेंटर थी, मदर थी, 15 साल उन्होंने शूटिंग छोड़ दी थी बच्चों को पालने में, और सबसे बड़े हो गए तब फिर उन्होंने वापस इंग्लिश इंग्लिश की और स्कूल में ही गई। 4 साल की उम्र में स्कूल जाने के टाइम वो स्टूडियो में घुस गई और 50 साल तक वो कैमरे के सामने रही। बिल्कुल, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे श्रीदेवी के साथ? उस सेट पर आती थी तो शी टू बी लाइक यू नो डायलॉग्स आर वेरी फायरी एंड एवरीथिंग, कैसे मैं वो एकदम क्वाइटली रिहर्सल करती थी, वो चुपचाप शांत, कोई आवाज नहीं, उनकी आवाज नहीं सुन सकते, और एकदम जैसे जैसे लगी कैसे होगा ये टेक, कैसे होगा ये शॉट, कैसे होगा, बिकॉज शी इज वेरी नॉर्मल यू नो, और सबको तो ऐसा लगता था कि कोई प्रिपेयर होके नहीं है, करीबी सी कोई महिला पहली बार आ रही है कैमरे को फेस करने, द मिनट कैमरा में स्टार्ट साउंड हो, कैमरा और एक्शन के बीच में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता था उनके बॉडी में, वो अनबिलीवेबल था, बिकॉज आई मस्ट हैव वर्क विद एवरीबॉडी, हम 500 फिल्म कर चुके हैं सबसे, लेकिन मैंने ऐसा मैच, और उसके बाद वो परफॉर्मेंस होता था उसके रूम्स में, आपको एक्टर तो ब्लैंक हो जाता था, लेकिन उसके बाद जैसे कट होता था एंड अगेन शी इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, एक नया कोई स्ट्रगलर होता है वो जैसे साइड में बैठ जाता है, शी टू बी लाइक दैट। बिल्कुल, आपने सर उनके साथ आर्मी फिल्म में भी काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका उनके साथ काम करने का? बहुत रिस्पेक्टफुल, एक डिग्निटी क्लास एक कलाकार में जो होनी चाहिए, एक अपना एक पर्सोना जैसे होता है वो उनमें था, और ग्रेसफुल, इतनी ग्रेसफुल आर्टिस्ट थी, क्या बताएं आपको, मतलब शी वाज अ पावर हाउस ऑफ परफॉर्मर एंड देयर इज ओनली यू कैन लर्न फ्रॉम हर जस्ट बाय ऑब्जर्विंग हर ऑल द टाइम, शी वाज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, मतलब क्लासी, तहजीब, तमीज, गुड मॉर्निंग बोलना, आवाज जोर से नहीं, किसी को डांटना नहीं, और लोग इंतजार करते हैं सेट पे, शी लाइक हाउ अमिताभ बच्चन कम्स, कैसे एक माहौल हो जाता था, श्री जी के हमेशा वैसे होता था, शी वाज द फर्स्ट लेडी एक्ट्रेस जिनको सुपरस्टार का तमगा लगा इस देश में। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए आपका, रवि जी बहुत शुक्रिया।